दोस्तों, अगर आप अपने बैंक अकाउंट के बैलेंस को घर बैठे ही चेक करना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप बहुत इजी तरीके से आप 1 से 2 सेकेंड के अंदर आप अपने बैंक अकाउंट के बैलेंस को घर बैठे ही अपने फोन से चेक कर पाएंगे। तो इसके लिए गाइस आपको करना क्या है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चैनल पर दोस्तों पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन बिल को जरूर प्रेस करिएगा। तो चलो गाइस आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ से देखिए, आप मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं। और गाइस यहाँ से आपको अपने बैंक का बैलेंस चेक करना, वो भी एक टोल फ्री नंबर से। तो इसके लिए गाइस मैंने आपको एक एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप चेक करके उस ऐप को इंस्टॉल करें। गाइस यहाँ पे मैं ऐप को इंस्टॉल करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है अगर मैं आपको SBI के बारे में बताता तो आपके पास बड़ौदा का खाता होता या आप बड़ौदा से ना होते, आप किसी अन्य अदर बैंक से जुड़े होते, तो गाइस इस तरह में आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में होते, मतलब आपको कंफ्यूजन होती है। तो इसके लिए गाइस मैंने आपको सिंपली ऐप का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, आपको सिंपली उस ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने इस ऐप को ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूं। एंड इस ऐप का नाम है गाइस बैंक बैलेंस चेकर। तो गाइस मैंने इस ऐप को इंस्टॉल किया, मैं इसे ओपन करता हूं। एंड ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का ओपन होगा और यहाँ पे आपको मेड इन इंडिया का लोगो मिल जाता है। तो आपको क्या करना गाइस, यहाँ से आपको सेलेक्ट बैंक का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ से आपको बहुत सारे बैंक के नाम आपको शो होंगे। आप गाइस देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बहुत सारे बैंक के नाम शो हो रहे हैं। तो अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है अपना बैंक। अब गाइस यहाँ पे मेरा सिंपली SBI का खाता है, तो मैं SBI पे क्लिक करूंगा, या बड़ौदा का खाता है तो बड़ौदा में क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे जो भी आपका बैंक हो यहाँ पे आपको सारे बैंक शो हो जाते हैं। बट अगर आपके बैंक यहाँ पे शो ना हो तो आपको सर्च बैंक का नीचे ऑप्शन मिल जाता है, आप उसमें क्लिक करके अपने उस बैंक का नाम सर्च कर सकते हैं। वैसे तो सारे बैंक के नाम आपको मिल ही जाएंगे। तो यहाँ से SBI वाला ऑप्शन पे अगर आप SBI का देखना चाहते हैं तो हम SBI पे क्लिक कर देते हैं। SBI में क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ये ऐप के बारे में रेटिंग वगैरह देनी हो तो आप इसे यस कर दीजिएगा। ओके गाइस, उसके बाद स्टार्स वगैरह देना चाहते हैं तो आप स्टार दे सकते हैं। अब गाइस यहां से आप देखें कुछ इस तरह का ऑप्शन मिल जाएगा। आप करना क्या है, यहां से आपको चेक बैलेंस का ऑप्शन मिलता है, हम इसमें क्लिक करेंगे। ओके गाइस, चेक बैलेंस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहां से आपको चेक बैंक बैलेंस ऑप्शन मिलता है, मैं इसमें क्लिक करता हूं। ओके गाइस, जैसे हम इसमें क्लिक कर देंगे तो यहां से आपको मिस कॉल बैलेंस, अब यहां से आपको परमिशन दे देनी है, परमिशन एक कॉन्टेक्ट नंबर आएगा जिसमें आपको मिस कॉल करना है। तो गाइस यहां से देख सकते हैं ये कॉन्टेक्ट नंबर है, इसको आपको नोट करना, आप देख लीजिए। मैं तो आपको इस नंबर में अगर आप SBI का बैंक यूज करते हैं तो आप इसी नंबर पे मिस कॉल करना है। ओके गाइस, उसके बाद यहाँ से फिर आपको मैसेज आ जाएगा। तो गाइस इसी तरह आप अपने बैंक के नाम को सेलेक्ट कर लेना। और आपको एक चीज और मैं बता देता हूँ कि आपको उसी नंबर से कॉल करना है जिस नंबर से आपका अकाउंट खाता लॉग इन है, लिंकेड है। ठीक है गाइस, अगर आप किसी भी नंबर से अगर इस तरह आप मिस कॉल करेंगे तो आपको मैसेज नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको उसी नंबर से कॉल करना है, मिस कॉल करना है जिस नंबर से आपका खाता लिंकेड हो। तो ये गाइस बहुत बढ़िया ट्रिक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो कमेंट्स करके जरूर बताना। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।